अरे वाह, आ गए आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुरार में। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों से बातचीत करूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो आखिर ये समय आ ही गया। अभी का समय जो है वो फाइनल एग्जाम का समय है, और ऐसे समय में क्या होता है, बच्चों को काफ़ी टेंशन हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। टेंशन एक ऐसा चीज़ है जो स्वतः अपने आप आपके अंदर आ जाता है। अगर मैं कुछ भी कहूँ लेकिन कुछ भी नहीं होगा, तो फिर इसका उपाय क्या है, क्या करें? एक्चुअली ये टेंशन एग्जाम में जो है टेंशन हो ही जाता है, जितना भी रोकना चाहें वो रुकने वाला नहीं है। तो एग्जाम को हम लोग, एग्जाम का जो ये टेंशन प्रेशर जो होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो टेंशन लेते हैं और एक बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं। तो इसका दो ही कारण हो सकता है कि टेंशन वो नहीं लेते हैं, या तो वो काफ़ी जीनियस हैं, तेज बच्चे हैं, ब्रिलियंट हैं, या फिर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। वो ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो टेंशन नहीं लेते हैं। एग्ज़ाम का नाम सुनकर ही बच्चों में अंदर में जो है एक डर सा, एक भय सा बैठ जाता है। पता नहीं क्या होगा, फाइनल एग्ज़ाम है, क्या होगा, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। कई बार मैंने देखा है बच्चों को तबीयत खराब हो जाता है एग्जाम का नाम सुन के। एग्जाम देना है, उसका तबीयत पहले से बिगड़ जाता है। इसके अलावा मैंने कई बार देखा है एग्जाम हॉल में, कई बच्चे का हॉल में जो है वहाँ तबीयत खराब हो जाता है, और फिर वहाँ से उसको वापस जाना पड़ता है एग्जाम छोड़कर। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप टेंशन नहीं लेते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे टेंशन लेते हैं वही सीरियसली पढ़ाई करते हैं, और सीरियसली जो पढ़ाई करेंगे उसका ही अच्छा नंबर आएगा। तो इसीलिए आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। यही उपाय है कि आप इससे रिड्यूस, आप अपने एग्ज़ाम के प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम बना लेना होगा कि आप किस किस तरह का तैयारी, किस किस सब्जेक्ट में आपका तैयारी है और किस में नहीं है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना होगा। कि सपोज आपका जो इजी सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं वही इजी होते हैं, क्योंकि जिसमें रुचि होता है तो उसको लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, और ज़्यादा पढ़ने से वो उसके लिए इजी हो जाता है। और जिसको बोरिंग लगता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको पढ़ाई नहीं करते हैं, उसमें जो है काफ़ी सारा अनकम्प्लीट रहता है चैप्टर जो है, तो उसको, उस पर फोकस कीजिए। या फिर जो आपका अभी तक पढ़ाई हो चुका है, जैसे कि इस बार क्या है कि लॉकडाउन में जो है पढ़ाई ज़्यादातर हो नहीं सका, ऑनलाइन पढ़ाई हुआ, कई बच्चे पढ़ाई किए, कई बच्चे नहीं किए, तो वैसी स्थिति में कई सारा यूट्यूब चैनल को देखकर पढ़ाई किए, कई सारे बच्चे का ऑनलाइन जो है उसके स्कूल से जो उसको मैसेज मिला या वीडियो मिला उसके अनुसार से पढ़ाई किए। तो पढ़ाई जो है आधा अधूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक टीचर्स जो है उसको नए कोर्स पढ़ा रहे हैं, जबकि अभी जो है फरवरी के, फरवरी आधा से अधिक गुजर चुका है। तो ऐसी स्थिति में उसको न्यू चैप्टर पढ़ाने का समय नहीं है, ये अभी जो है उसको रिविजन कराने का समय है, और लेकिन अभी न्यू चैप्टर उसको पढ़ाया जा रहा है। तो किसी तरह से टीचर भी देख रहे हैं कि किसी तरह से कोर्स कंप्लीट कराया जाए, लेकिन फिर भी कोर्स कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो जितने भी मेन चैप्टर्स हैं उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके बाद एग्जाम होने वाला है, एग्जाम रूटीन अभी तो शिशु विद्या मंदिर में एग्जाम रूटीन आ चुका है, मार्च में इसका एग्जाम होने वाला है, और अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और इधर न्यूज़ आ चुका है कि 8 क्लास से लेके ऊपर क्लास जो है वो ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 8 क्लास के बच्चों से लेके ऊपर क्लास के बच्चों का ऑफलाइन, मतलब उसके स्कूल में एग्जाम लिया जाएगा, और 7 क्लास से इधर नीचे जो है उसका कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। हो सकता है उसका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को दोनों तरफ से तैयार रहना होगा। अगर ऑफलाइन होता है तो आपको ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला है, आपको मुश्किल थोड़ा सा आएगा, क्योंकि 1 साल से आपको एग्जाम देने का आदत छूट चुका है, आपको रिटेन एग्जाम जो होता है वो आप छोड़ चुके हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन इस बार आप ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट फेल नहीं होने वाले हैं, उसको पास कर दिया जाएगा। इसका ऐसा मतलब नहीं कि आप पढ़ाई ना करें, मेरा अपना ये ओपिनियन है, अपना व्यू है कि आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई मत कीजिए, सिर्फ एग्जाम पास करना है इसलिए पढ़ाई करें, ऐसा ये सही नहीं है। एग्जाम पास तो होना ही है, लेकिन आप सीखने के लिए पढ़ाई कीजिए, आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई कीजिए, ये होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो पता नहीं रहता है, लेकिन बड़े स्टूडेंट जो होते हैं
उन लोगों के अंदर में एक जिम्मेदारी आ जाती है, वो पढ़ाई को समझने लगते हैं। बड़े बच्चे पढ़ाई के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी लेने लगते हैं और उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता है कि पढ़ने के लिए बैठो, ये करो, इसको ये करो, वो अपना खुद प्लान बनाने लगते हैं। इसलिए बड़े बच्चों का कोई विशेष टेंशन नहीं है, वो शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो तैयारी करते नहीं, वो जो है खेलने में ज़्यादा समय लगाते हैं। तो उन बच्चों को निश्चित रूप से इस बार तो सबको पास कर ही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आप जहाँ तक संभव हो आप मेहनत करें खुद से। जब मैं पढ़ाई करता था और उस समय जो एग्ज़ाम हुआ करता था, फाइनल एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम, हमारे लिए सभी एग्ज़ाम जो है फाइनल एग्ज़ाम ही होता था। कहने का मतलब है कि हम लोग को पता नहीं रहता था कि ये कौन सा एग्ज़ाम, हम लोग जानते थे कि फाइनल एग्ज़ाम भी वही है और कोई भी पीरियोडिक एग्ज़ाम होता था तो वो भी जानते थे कि बस दोनों उतना ही सीरियसली लेते थे और उस पर लग जाते थे। टीचर अगर कुछ बोल दिया कि इसको याद करना है जी, इसको पढ़ना है इसको, तो हम लोग कभी दिमाग में नहीं आया कि चलो कुछ भी बहाना बना देते हैं, पढ़ाई नहीं हुआ है, ये हो गया, कुछ भी वो चीज़ दिमाग में आता ही नहीं था। मतलब बहाना बनाने के लिए हम लोग जानते ही नहीं थे, कुछ भी दे दिया कि ये याद करना है तो बस उस पर कुछ भी जी जान लगा के भी उसको याद करना, और याद करते थे। तो आज मेरे पास कुछ भी नॉलेज है तो बस वही सब परिणाम है। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम जब आ जाता है तो उससे 10 दिन 15 दिन पहले हम लोगों को बोल दिया जाता था घर में कि टीवी बंद, अब तुम लोग को टीवी नहीं देखना। लेकिन आज के डेट में वैसा कुछ भी नहीं होता है और हम लोग सीरियसली उसको मानते थे, अपनाते थे उसको। कई चीज़ें ऐसा है जो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। जब एग्ज़ाम आता था दोस्तों से मिलना जुलना कम, उसके साथ समय बिताना कम कर देते थे, टीवी देखना तो बंद ही कर देते थे। इसके अलावा और भी गैर जरूरी जितने काम रहते थे वो सारे लगभग बंद कर देते थे। तो कम से कम आपका एग्ज़ाम अगर सर पे आ गया है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। कुछ भी किसी को मिला है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस का ही परिणाम, रिजल्ट जो है वही अच्छा मिलता है। आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ घूमते हैं, समय बिताते हैं, कम से कम थोड़े दिनों के लिए उसको स्टॉप कर दीजिए। इसके अलावा और भी कहीं जो रिलेशन में चले जाते हैं तो उसको भी थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए। फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आराम से आप फिर कहीं छुट्टी बिताने के लिए जा सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं। इस तरह के मतलब आप समझ लीजिए, आपका रूटीन है, आप जानते हैं आप कितना बजे क्या करते हैं, तो उस अनुसार से आप लोग जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उसको रोक दीजिए थोड़े समय के लिए और अभी थोड़ा मेहनत कीजिए। इस मेहनत का परिणाम सिर्फ ये परीक्षा नहीं है, इस मेहनत का परिणाम आप लोगों को कई अपने लाइफ में कई जगह आप लोगों को मिलेगा जो आप अभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ समय बाद जब ऐसा समय आएगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे जो सर बतलाए थे वो क्या काम कर रहा है, क्या रिजल्ट मिला इसका। तो एक छोटा सा चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए, अपने समय को इधर उधर गैर जरूरी काम बंद कीजिए और अभी एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम है, सर पे एग्ज़ाम है, आप समय दीजिए अपने पढ़ाई पे। जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसी को रिविज़न कर लीजिए, कम से कम इतना समझ लीजिए कि जो आप पढ़े हैं वो नहीं छूटना चाहिए। लिखने में वो अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका नहीं छूटना चाहिए, अगर वो छूट जाता है जो आप पढ़े हुए हैं तो फिर इसमें जो है आपको पछताना पड़ जाएगा कि हम जो पढ़े थे वो नहीं लिख पाए। ऐसी स्थिति में अरे जो नहीं पढ़े थे उसके लिए तो कोई बात नहीं है, बहुत सर कई ऐसा सारा चीज़ छूट जाता है। मेरा एक आदत था एग्ज़ाम में, अभी भी है, कि कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, छोड़ने के बारे में तो कभी मैं सोचता ही नहीं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह से उस क्वेश्चन को मैं लिख लूँ। हाँ, हो सकता है सटीक आंसर ना कर पाऊँ मैं, और या फिर उससे संबंधित कुछ भी मैं अगर जानता हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन जो जिसको मैं लगभग उसके आंसर नहीं जानता हूँ लेकिन उसके बारे में मैं सुना तो हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं उसको लास्ट में करता हूँ। जिसको मैं सबसे कम जिसके बारे में जानता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे लास्ट में करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, सोचता हूँ उससे संबंधित कोई भी बात, उसको मुझे जैसा महसूस होता है तो उसको मैं कुछ ना कुछ 4 लाइन 5 लाइन कुछ ना कुछ उसका आंसर मैं दे के ही आता हूँ। तो इसी तरह से सबसे पहला टारगेट बनाइए कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से करके एग्ज़ाम में आप सेक्रीफाइस कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना जो है एग्ज़ाम के दौरान उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए जिसको आप बेहतर जानते हैं। जिसको नहीं जानते हैं उसको बाद में अंत में सोचने में टाइम लगाइए, सोच सोच के फिर उसको लिख लीजिए। और अगर फिर भी नहीं होता है कोई क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन टारगेट ये रखिए कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कम से कम इन बातों को ध्यान रखिए, आपका एक फाइनल एग्ज़ाम जो है ज़रूर बेहतर जाएगा,
मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इसका मतलब है कि वो जीनियस स्टूडेंट हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं। मैं जीनियस नहीं हूँ, आप जीनियस हैं। और आप जीनियस आप खुद बोलेंगे एक दिन, कमेंट करेंगे कि सर मैं ये मैंने काम किया, इतना बड़ा काम किया, तो उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो इसीलिए मैं जीनियस नहीं हूँ, आप जीनियस हैं। और मैं हमेशा कमेंट में आपको जीनियस बतलाता हूँ कि आप जीनियस हैं, और वाकई में आप इसका रिजल्ट आप देखेंगे, ये सच है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए सच होगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगा। तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और इसी तरह के एक और वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।